गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लोकल अट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लोकल अट्रैक्शन। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे लोकल अट्रैक्शन होता क्या है, ये कैसे अफेक्ट करता है कंपास को, और इसको कैसे हम इसको रिमूव कर सके वहां से। जो भी लोकल अट्रैक्शन आ रहा है उसकी वजह से जो इधर आ रही है, कैसे हम उसको रिमूव कर सकें, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकल अट्रैक्शन होता क्या है। क्या होता है कि जब हम कंपास सर्वे करते हैं, तो कंपास में आपको पता है कि मैग्नेटिक नीडिल लगी हुई होती है, तो मैग्नेटिक नीडिल फ्रीली फ्लोट कर रही होती है। लेकिन चूंकि ये मैग्नेट की है, अगर इसके पास मैं कोई भी मेटल की चीज अगर यहाँ पर ले आऊंगा, तो क्या होगा, ये इसकी तरफ डेविएट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कंपास सर्वे करें, मुझे पता है कि ये मैग्नेटिक नीडिल है, और कोई भी ऐसी चीज जो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अगर वो सराउंडिंग में होगी तो नीडिल क्या होगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, डेविएट होगी। तो उसी को हम बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। सपोज आपने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेट किया और बगल में ही एक इलेक्ट्रिक पोल है, तो क्या होगा कि जो नीडिल है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। वहां पर कोई साइकिल खड़ी हुई है, बाइक खड़ी हुई है, या आपने जो कड़ा पहन रखा है, आपने घड़ी पहन रखी है, उसकी वजह से वो डेविएट हो सकती है। आपने चश्मा लगा रखा है, फ्रेम उसका अगर लोहे का है, तो उसकी वजह से डेविएट हो सकती है। तो यहाँ पर बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से जो नीडिल है, मैग्नेटिक नीडिल, वो डेविएट होती है, उसकी वजह से जो और इसी को हम बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि रीडिंग जो हमारी है वो करेक्ट नहीं आ पाती है। तो उसको हम चेक कैसे करें, कैसे पता करें कि किसी पॉइंट पे लोकल अट्रैक्शन है या नहीं, तो हम क्या करते हैं कि उसमें उसकी फोर बीयरिंग और बैक बीयरिंग, उस लाइन की फोर बीयरिंग और बैक बीयरिंग का हम डिफरेंस निकालें। और जब ये डिफरेंस 180 डिग्री आ जाए, जब ये डिफरेंस 180 डिग्री आ जाए, तो इसका मतलब कि दोनों पॉइंट जो हैं उसके लोकल अट्रैक्शन से फ्री हैं। बट अगर उसका फोर बीयरिंग अलग आ रहा है, बैक बीयरिंग अलग, मीन दोनों का जो डिफरेंस है वो 180 से कम या ज्यादा आ रहा है, 180 एग्जैक्ट ना के अगर वो दूसरी वैल्यू आ रही है, 180 से डिफर कर रही है, तो इसका मतलब कि या तो स्टेशन ए पे इरर है या स्टेशन बी पे इरर, लोकल अट्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस सारी चीजों को एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो है द बीयरिंग ऑब्जर्व इन अ ट्रैवर्स विथ कंपास एट अ प्लेस वेयर लोकल अट्रैक्शन वॉज सस्पेक्टेड आर गिवेन बिलो। मींस हमने एक ऐसी जगह पर ट्रैवर्सिंग करी है जहां पर लोकल अट्रैक्शन सस्पेक्ट किया गया है, और उसकी जो रीडिंग्स हैं लाइन की, सपोज लाइन ए भी है तो उसका फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग गिवन है, बीसी लाइन, सीडी लाइन, डीए लाइन, इन सबकी फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग हमें हमारे पास पहले से है। तो यहाँ पर लेकिन ये भी हमें सस्पेक्ट हुआ है कि वहां पर लोकल अट्रैक्शन है। तो हमें सबसे पहले ये पता करना होगा इसमें से कि ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऐसे कौन से स्टेशन है जो लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, ये हमें सबसे पहले चेक करना होगा। तो उसके लिए अभी मैंने बताया था कि जब हम फोर बीयरिंग और बैक बीयरिंग दोनों का डिफरेंस देखें, और वो अगर एग्जैक्ट 180 आ रहा है, इसका मतलब कि वो दोनों स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। तो यहाँ पर हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे, ये है 134 डिग्री 30 मिनट एंड ये है 314 डिग्री 20 मिनट। तो जब हम इसमें से इसको माइनस किए तो इसका डिफरेंस आया 180 डिग्री 00 मिनट। जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, दोनों का डिफरेंस निकाला, तो 180 डिग्री आया। मीन्स ए बी लाइन, स्टेशन ए एंड स्टेशन बी दोनों लोकल अट्रैक्शन से फ्री हैं, क्योंकि उसका जो फोर बीयरिंग और बैक बीयरिंग का डिफरेंस 180 आ रहा है। ओके, अब हम लाइन बी सी पे चेक करेंगे, फोर बीयरिंग है 120 डिग्री एंड बैक बीयरिंग है 299 डिग्री 20 मिनट। तो हमें पता है कि फोर बीयरिंग जो भी होती है, अगर उसमें 180 से प्लस कर दें तो हमें उसकी बैक बीयरिंग मिल जाती है। तो अगर हम 120 में 180 प्लस करेंगे तो ये 300 आना चाहिए, जबकि ये वैल्यू आई 299 डिग्री 20 मिनट। मींस यहाँ पर लोकल अट्रैक्शन है, चाहे स्टेशन बी पे है चाहे स्टेशन सी पे है। तो यहां से हमने देखा स्टेशन बी तो लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, इसका मतलब क्या है कि स्टेशन सी पे लोकल अट्रैक्शन है। इसी तरह से सीडी को चेक करेंगे तो यहाँ पर भी इसका ये 3 डिग्री 20 मिनट है, 185 डिग्री 30 मिनट है, तो इसका भी डिफरेंस 180 नहीं आ रहा है, तो इन दोनों में भी लोकल अट्रैक्शन है और यहाँ पर भी लोकल अट्रैक्शन है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे कैसे, इसका जो सोल्यूशन होगा, सबसे पहले हमने
ठीक है। तो यहाँ पर ये 134 डिग्री 30 मिनट एंड 314 डिग्री 30 मिनट है, तो इसका एरर 180 आता है एग्जैक्ट। तो इसलिए ये स्टेशन ए ए एंड बी इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। स्टेशन ये और भी हमें पता चल गया कि लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। इसका मतलब कि चाहे तो हम अगर ए से जो भी रीडिंग लेंगे या बी से बी पे कंपास रख के जो रीडिंग लेंगे वो वैल्यू सही होगी। तो यहाँ पर जो बीसी लाइन है, बीसी लाइन मीन्स बी पे हमने स्टाफ रखा, सॉरी बी पे कंपास रखा और बीसी लाइन की फोर बीरिंग निकाली, तो फोर बीरिंग ऑफ बीसी कितनी है? 120 डिग्री। बीसी की फोर बीरिंग मीन्स बी से हमने मेजर करी है और बी लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, मीन्स ये जो वैल्यू है वो करेक्ट होगी। तो अगर बीसी की फोर बीरिंग 120 डिग्री है तो बैक बीरिंग ऑफ बीसी कितनी हो जाएगी? बैक बीरिंग कैसे निकालते हैं हम? जो फोर बीरिंग होती है उसमें 180 डिग्री प्लस या माइनस करते हैं। अगर ये वैल्यू 180 से कम होती है तो 180 प्लस करते हैं, और 180 से ज्यादा होता है तो 180 माइनस करते हैं। तो यहाँ पर ये 180 से लेस है तो इसमें 180 ऐड किया तो ये होना चाहिए 300 डिग्री। बैक बीरिंग ऑफ बीसी शुड बी, या करेक्ट इसको लिख सकते हैं अपन, करेक्ट बैक बीरिंग ऑफ बीसी शुड बी 300 डिग्री। बट ऑब्जर्व क्या है? ऑब्जर्व बैक बीरिंग ऑफ बैक बीसी क्या है? 299 डिग्री 20 मिनट, 299 डिग्री 20 मिनट। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो ऑब्जर्व बैक बीरिंग ऑफ बीसी है वो कितनी 40 मिनट कम है। ये 299 डिग्री 20 मिनट है जबकि इसको होना चाहिए था 300 डिग्री, तो ये 40 मिनट कम है। तो यहां पर एरर कितना हुआ? एरर एट सी, इधर एट स्टेशन सी कितना हो गया? 40 मिनट। और ये वैल्यू क्योंकि ये कम आ रही है इसमें तो ये वैल्यू होगी माइनस, तो इधर एट सी होगा -40 मिनट। ओके, मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि इधर सी पे 40 मिनट कम है। तो इसका अगर हम सी से कोई नया मेजरमेंट करें तो हमें क्या करना होगा? उस पे 40 मिनट अगर हम ऐड कर दें तो वहां से जो रीडिंग लेंगे वो सही होगी। ओके, तो सी से हमने अगली रीडिंग ली सी डी की फोर बीरिंग, तो करेक्ट फोर बीरिंग ऑफ सी डी कितनी होनी चाहिए? 3 डिग्री 20 मिनट पहले थी, और यहां से हमने देखा कि जो स्टेशन सी है वहां पर 40 मिनट -40 मिनट एरर है। तो हम क्या करेंगे कि सी से जो रीडिंग आ रही है ले रहे हैं उसमें 40 मिनट ऐड कर दें, तो करेक्ट फोर बीरिंग ऑफ सी डी हो गई हमारी 3 डिग्री 20 मिनट +40 मिनट, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 मिनट, सॉरी 4 डिग्री 00 मिनट। तो ये करेक्ट फोर बीरिंग ऑफ सी डी हो गई। ओके, अब जब हमें फोर सी डी की फोर बीरिंग पता है, करेक्ट फोर बीरिंग पता है, तो इसकी बैक बीरिंग भी हम निकाल सकते हैं। तो बैक बीरिंग ऑफ सी डी कितनी होनी चाहिए? करेक्ट बैक बीरिंग ऑफ सी डी कितनी होनी चाहिए? 4 डिग्री +180, मीन्स 184 डिग्री होनी चाहिए। जबकि ऑब्जर्व क्या है? ऑब्जर्व बैक बीरिंग ऑफ सी डी इज 185 डिग्री 30 मिनट। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इसकी फोर बीरिंग जो थी बैक बीरिंग होनी चाहिए थी 184 डिग्री 00 मिनट, जबकि ये वैल्यू ऑब्जर्व बीरिंग जो है जो हमने मेजर करी थी पहले वो 185 डिग्री 30 मिनट है। मीन्स यहां पर इरर कितना आएगा? इरर आएगा 1 डिग्री 30 मिनट। अब ये 1 डिग्री 30 मिनट जो है वो ज्यादा है यहाँ पर। अगर हम देखें सी डी पे 184 डिग्री होनी चाहिए थी जबकि है कितना? 185 डिग्री 30 मिनट, मीन्स 1 डिग्री 30 मिनट यहाँ पर वैल्यू ज्यादा है। तो ये जो एरर होगा वो +1 डिग्री 30 मिनट होगा। तो डी डी पॉइंट पे करेक्शन कितना करना होगा हमें? तो करेक्शन आए डी
हो जाएगा माइनस 1 डिग्री 30 मिनट। यहाँ से हमने देखा कि 1 डिग्री 30 मिनट ज्यादा है, तो अब हम जब अगली रीडिंग यहाँ से कोई भी मेजर करेंगे तो उसमें 1 डिग्री 30 मिनट माइनस कर देंगे। तो यहाँ से डी से हमने जो अगली रीडिंग मेजर करी है वो है डी ए की 4 बीडिंग। तो करेक्ट करेक्ट 4 बीडिंग ऑफ डी ए कितनी होनी चाहिए, यहां पर है 285 डिग्री 00 मिनट माइनस 1 डिग्री 30 मिनट। तो ये यहां पर हमने देखा था कि डी पे जो लोकल अट्रैक्शन है 1 डिग्री 30 मिनट का निगेटिव है, तो हमने क्या किया वहां पे माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 283 डिग्री 30 मिनट। तो करेक्ट 4 बीडिंग ऑफ डी ए कितनी होनी चाहिए थी, 283 डिग्री 30 मिनट। तो जब ये डीए की 4 बीडिंग हमें पता है तो इसकी बैक बीडिंग कितनी होनी चाहिए, करेक्ट बैक बीडिंग ऑफ डीए होना चाहिए, इसमें 180 से ज्यादा है तो 180 माइनस कर देंगे, तो ये 180 माइनस करेंगे तो इसमें आ जाएगा 165 था। तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी 163 डिग्री 30 मिनट, और जब इसमें से माइनस 180 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 83 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो 83 डिग्री 30 मिनट इसकी करेक्ट फोर बीरिंग है, बैक बीरिंग है, और यहां से हमने देख डीए की बैक बीरिंग भी यहां पर 83 डिग्री 30 मिनट है, मीन्स और यहां पर बैक बीरिंग मीन्स हमने ए से डी की तरफ जब मेजर किया था, इसका मतलब कि ए हमने यहां से पहले ही चेक कर रखा था कि ए लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, इसलिए यहां पर इसकी वैल्यू सेम आ रही है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जब जो भी अगर मैं फोर बीरिंग बैक बीरिंग गिवेन है उसमें हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि किस ऐसे कौन कौन से स्टेशन है जहां पर लोकल अट्रैक्शन है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, फोर बीरिंग और बैक बीरिंग का डिफरेंस निकालेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि किस किस स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन है और किस पे नहीं है। तो हमें ये देखना कि किस पे नहीं है वहां से स्टार्ट करना होगा। यहां पर हमने देखा कि ए और बी फ्री थे तो ए और बी से जो मेजरमेंट किए गए हैं वो सही होने चाहिए, तो उसको बेस मान के हमने जैसे बी सही था तो बीसी की 4 बीरिंग 120 डिग्री ये सही होगी। अब इसके चूंकि ये 120 डिग्री है तो हमने यहां पर उसका करेक्ट बैक बीरिंग भी निकाल लिया, तो उसमें 180 ऐड करके ये आ गया, तो वहां से हम देख रहे हैं कि इरर आ गई, कितना इरर आ रही है, फिर उसको हमने दूसरे में उसको ऐड कर देंगे या डिडक्ट कर देंगे। इसी तरह से सारे स्टेशन यहाँ पर 4 लाइनें हैं, इस तरह से और भी लाइनें हो सकती हैं। और एक चीज और हो सकता है न्यूमेरिकल में, अगर हम वेरिएशन की बात करें तो हो सकता है कि यहाँ पर वैल्यू जो आपको रिड्यूस बेरिंग में गिवेन हो या क्वाड्रेंट बेरिंग सिस्टम में गिवेन हो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको WCB में कन्वर्ट करना है और सेम प्रोसेस फिर से अप्लाई करना है। तो इस तरह से हम लोकल अट्रैक्शन को वहां पर रिड्यूस कर सकते हैं और पॉइंट्स की करेक्ट रीडिंग को हम उसकी बेरिंग को बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।